गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। ये ब्लॉग नंबर 5 है और ये इंटरसेप्टर के लिए एक छोटा सा प्रोडक्ट मंगाया था जिसका मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को। और चूँकि ये प्रोडक्ट आप लोग देख ही सकते हैं, अमेजोन से मंगवाया हूँ मैं। ये प्रोडक्ट है रॉयल इनफील्ड का, देख सकते हैं ये 800 रुपये का प्रोडक्ट है। रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन है, रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन है, आरी का जेन्युइन ही है, क्योंकि आरी का जेन्युइन है। ये बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है और इसको आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका प्राइस है 800 रुपीज़, है ना। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये है आरी का लोगो है। और क्या है ये आप लोग देख ही सकते हैं, क्या है समझ ही गए हूँ। ये फ्रंट ब्रेक का मास्टर सिलेंडर का कैप है, ऊपर का हिस्सा का इंटरसेप्टर का फ्रंट सिलेंडर का मास्टर कैप, तो मास्टर सिलेंडर होता है ना, ब्रेक सिलेंडर, डिस्क ब्रेक का जो सिलेंडर होता है उसी का फ्रंट का कैप है। इसका प्राइस काफ़ी कॉस्टली है ये, लेकिन आरी से डायरेक्ट मंगाया हूँ, अमेजोन में आरी का ही है। तो मैं आप लोगों को इसका लिंक शेयर कर दूँगा ब्लॉग में। किनारे करते हैं, ये देखिए छोटा सा आइटम है लेकिन खूबसूरत लगेगा। ये छोटा सा अपग्रेड करने जा रहा हूँ अपने इंटरसेप्टर में, अभी फिट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और कहाँ फिट होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रंट ब्रेक का मास्टर सिलेंडर कैप एम्बॉस किया हुआ आरी, ठीक है, आगे मैं दिखाता हूँ आप लोग। दोस्तों ये देखिए, ये है मास्टर सिलेंडर, ये घर में भी कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। ये कैप खुल गया, मास्टर सिलेंडर का, और इसमें देख सकते हैं आप लोग छोटा वाशर है, रबर वाशर है, रबर इसको लगाना होगा वापस, ट्यूबलेस टायर लगाना सही होगा। ये देखिए दोस्तों आप लोग किस तरह से लग रहा है अब, है ना, छोटा सा अपग्रेड कर देने से कितना अच्छा लुक आता है देख सकते हैं आप लोग, है ना, बहुत प्यारा लुक आ रहा है मास्टर सिलेंडर का, है ना।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। कैसा लग रहा है आप लोग देख ही सकते हैं, ये छोटा सा है अपग्रेड, आगे तो क्या बताएं आप लोगों को। इसी तरह से छोटा छोटा करने में अच्छा लगता है सर, इसीलिए करता हूँ। देख सकते हैं इसका, हालांकि बेसिक कोई काम तो उतना नहीं है, लेकिन एक खूबसूरती बढ़ाता है, लोगों के साथ लगा हुआ है तो अपना ही खूबसूरती है इसका, है ना। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से लगता है। और आने वाले समय में आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ, इसमें मैं फ्रंट में आप लोगों को दिखाता हूँ, फ्रंट में आप लोगों को दिखाता हूँ, है ना। ये हेडलाइट चेंज करने वाला हूँ, एलईडी हेडलाइट लगाने वाला हूँ। दूसरा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये व्हील है ना, व्हील, इसको अलॉय व्हील विथ ट्यूबलेस टायर बनाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोगों का मदद हमको चाहिए, आप लोग मदद कीजिए हमको। ठीक है दोस्तों, इतना ही इस ब्लॉग को अंत करते हुए, आप लोगों का थैंक यू। और आने वाले समय में इसी तरह के नए ब्लॉग्स, नए वीडियोस मेरे आते रहेंगे। आप लोग फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।